यहाँ सबसे पहले जो है लेट अस डिस्कस अबाउट दी लोग, ओके, क्योंकि एक्सी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, थोड़ा सा पहले स्लोप के बारे में डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे आप देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके पास स्लोप किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, स्लोप टैंजेंट से रिलेटेड है, सही है। अब ये जो टैंजेंट है तो टैंजेंट यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये या तो टैंजेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे या तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे सर थर्ड और फोर्थ ला दे, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा यानी ऐसा जो होगा तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला थर्ड में भी लाई करेगा, यानी फर्स्ट वाले का जो स्लोप होगा वही थर्ड वाले का स्लोप। तो इसलिए हमें थर्ड को और फोर्थ को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा आपको। अगर मैंने यहाँ पे ये लाइन देखा तो इसका पॉजिटिव एक्सिस से वही एंगल बनेगा थीटा, यानी इसका जो स्लोप है टैन थीटा तो इसका भी स्लोप क्या है टैन थीटा। तो अलग से थर्ड क्वाड्रेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड पे ही हम फोकस करेंगे। तो ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला राइट, इसमें जो लाइन लाई करेगा ऐसा मतलब ये वाला, तो इसके लिए जो थीटा है ये थीटा पॉजिटिव एक्सिस से कितना होगा ग्रेटर देन 90, कितना होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा लेस देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा ग्रेटर देन 90। तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आपको, सीधी लाइन है फोर्थ में, तो फोर्थ में भी ये थीटा यहीं से लेंगे, थीटा हमेशा आप पॉजिटिव एक्सिस से लेंगे, थीटा किससे लेंगे पॉजिटिव एक्सिस से। तो ये सेकेंड और फोर्थ दोनों के लिए थीटा इज ग्रेटर देन 90, समझ में आप लोग पहली बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट है इसको हम अलग अलग स्टडी करेंगे और देखेंगे कि टैन थीटा कैसे वेरी करता है थीटा के साथ, स्लोप कैसे वेरी करता है, और उससे हम कुछ सिंपल कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है राइट, जो हमें आगे एक्स टी ग्राफ वी टी ग्राफ प्लॉट करने में हेल्प होगा, उसका हमें काम आएगा। तो पहले मैंने स्टार्ट अबाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखो राइट, ये जो सारे मतलब ये पॉसिबल टैंजेंट बना रहा है, ऐसे इनफाइनाइट टैंजेंट पॉसिबल है कि नहीं, एक ग्राफ पे अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे जब हम टैंजेंट निकालेंगे वो टैंजेंट अलग अलग जो पॉसिबल है ये सब है राइट करेक्ट, ठीक है कि नहीं है। जैसे अगर मेरे पास ऐसा एक ग्राफ है एक्स टी ग्राफ, तो यहाँ का टैंजेंट ऐसा है, यहाँ पे टैंजेंट ऐसा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे टैंजेंट ऐसा है, तो ये सब पॉसिबल है कि नहीं, सारे लाइंस, ये तो सारे लाइंस हैं, ऐसे टैंजेंट पॉसिबल है, ऐसे इनफाइनाइट करेक्ट। तो यहाँ पे ये है जीरो डिग्री और टैन जीरो कितना होता है, वो कितना होता है जीरो होता है बराबर है, और ये है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री, tan 90 कितना होता है tan 90 प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, तो प्लस इनफिनिटी, क्या लिया हमने प्लस इनफिनिटी। मैं समझाता हूँ आपको, ये जो tan का ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है, तो मान लो कि ये है पाई बाई टू और ये है पाई, ठीक है, यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री, तो पाई बाई टू पे ये बनता है असिम्प्टोट, असिम्प्टोट मतलब ऐसा टैंजेंट, इट्स अ टैंजेंट टू द ग्राफ, हां जो ग्राफ को टच नहीं करता, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री में, 0 से 90 डिग्री में ये ग्राफ बनता है ऐसा टैन का ग्राफ, ठीक है। तो 90 डिग्री से जस्ट पहले ग्राफ जाता है प्लस इंफिनिटी को, ग्राफ किसको जाता है प्लस इंफिनिटी, और इधर यहां भी ये ग्राफ बनता है ऐसा, फिर हां आगे जाता है, तो फिर आगे यहां पे एक असिम्प्टोट बनता है, ये ग्राफ इधर आता है, तो ये बार बार रिपीट होता है, ये बार बार क्या होता है रिपीट होता है, इसका पीरियड होता है पाई, इसका पीरियड होता है पाई, तो ये माइनस पाई बाई टू, ये पाई, तो ये पाई
by 2 plus pi by 2 कितना हो गया है इंटरवल हो गया पाई का तो ये पाई में जो ग्राफ बना है यही ग्राफ बार-बार रिपीट होता है इसलिए हमें सिर्फ एक ही इंटरवल को स्टडी करना है तो हम सिर्फ 0 से पाई तक स्टडी करेंगे ये समझ में आपको तो मैंने ये आधा ग्राफ रखा और ये आधा क्योंकि मुझे किसी भी एक पीरियड को स्टडी करना है क्योंकि वो पीरियडिक है कैसा ग्राफ है वो पीरियडिक और जब पीरियडिक होता है तो आप बस किसी भी एक पीरियड का आप स्टडी करो ठीक है समझ में आया तब मैं ये ग्राफ आगे ऐसे कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इस तरह से ये ग्राफ क्या है आगे बार-बार ये रिपीट होगा ठीक है और ये यहां पे डॉटेड है समझ गए आप लोग ठीक है ओके ओके तो इसका मतलब ये है कि 90 से जस्ट पहले ग्राफ जाता है प्लस इंफिनिटी को और 90 के जस्ट बाद जाता है माइनस इसलिए बोलते हैं कि 90 पे वो नॉट डिफाइंड है tan 90 क्या है अनडिफाइंड ये इसका मीनिंग है अनडिफाइंड का मीनिंग अनडिफाइंड का मीनिंग ये है कि 90 से जस्ट पहले वो जा रहा है प्लस इंफिनिटी को और 90 के जस्ट बाद वो जा रहा है माइनस इंफिनिटी पॉइंट समझ में आपको तो tan 90 में ये क्या होगा इसका वैल्यू tan 90 का वैल्यू कितना है प्लस इंफिनिटी अच्छा अब आप देखो अगर मैंने बोला कि इसके लिए ये थीटा 1 है एंगल हां x एक्सिस के साथ इसके साथ प्लस x एक्सिस के साथ ये एंगल कितना ले रहा हूं मैं थीटा 2 ये एंगल कितना है थीटा 3 तो यहां पे tan का वैल्यू 0 है तो मान लो यहां पे 10 है tan का वैल्यू यहां पे 20 है यहां पे 30 है इसका वैल्यू tan थीटा 3 tan थीटा 2 tan थीटा 1 समझ में आपको tan का वैल्यू ये 60 हो गया ये 90 हो गया ये 500 हो गया वो इंफिनिटी हो गया समझ में आ रहा है तो tan का वैल्यू बढ़ रहा है tan का वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है यानी as theta is increasing हम लोग किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट as theta is increasing tan theta is also increasing tan theta का जो मॉड है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है tan theta is increasing तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेसिकली स्लोप इज व्हाट इज इंक्रीजिंग स्लोप इज अगर ये स्लोप हम लोग xt ग्राफ का स्लोप ले लें तो xt ग्राफ का स्लोप क्या रहता है v रहता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि v इज इंक्रीजिंग अगर यही स्लोप हम vt ग्राफ का लेते हैं तो वो स्लोप क्या लेता है h इंक्रीजिंग हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग जहां भी होगा हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं इस कांसेप्ट को ठीक है कनेक्ट राइट अभी आप एक चीज देख सकते हो कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है ये tan थीटा बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है और स्लोप बढ़ रहा है तो वैसे वैसे वो जो टेंजेंट है वो ज्यादा स्टीप होते जा रहा है वो ज्यादा क्या हो रहा है स्टीप हो रहा है समझ में स्टीप समझ में आता है आपको ज्यादा स्लैंटेड हो रहा है ज्यादा इंक्लाइंड होते जा रहा है एक्स एक्सिस से मोर एंड मोर इंक्लाइंड जैसे मान देखो आप एज थीटा इज इंक्रीजिंग स्लोप इज इंक्रीजिंग tan थीटा इंक्रीज है क्योंकि tan 0 इज 0 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है tan थीटा इज इंक्रीजिंग tan थीटा इज इंक्रीजिंग एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग बिकॉज़ tan थीटा इज स्लोप tan थीटा क्या रहता है स्लोप स्लोप इज इंक्रीजिंग एंड द टेंजेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीपर टेंजेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर तो ये सब इतना जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको मैं सिंपल एक लाइन में बोल सकता हूं कि इफ द टेंजेंट इज मोर स्टीपर its slope is more right more the steeper more the slope simple बोल सकता हूं मैं conclusion या जो भी हमने पढ़ा इसका सिंपल कंक्लूजन क्या है more steeper tangent more the slope और सिंपल करना है तो ऐसा एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि if the slant of the tangent is more if the slant of the tangent is more then its slope is more बस हो गया सिंपल लाइन राइट क्या बोल सकते हैं if the slant of the tangent is more then what slope is then its slope is more very simple हाँ राइट क्लियर है तो ये हमें बहुत हेल्प करेगा ये हमें फटाफट ग्राफ को कन्वर्ट करने में एक्स ग्राफ को वीटी वीटी ग्राफ को एक्स ये करने में हमें ये बहुत हेल्प करेगा ये एक लाइन हमें इतना बार बार ये मैथमेटिक्स सोचने की जरूरत नहीं है हमें बस ये लाइन बताना चाहिए कि
द स्पैन ऑफ द टेंजेंट इज मोर देन इट्स स्लोप इज मोर, ये हमें बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बाद डिस्कस करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। ओके ओके, तो नाउ लेट अस डिस्कस सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो सेकेंड क्वाड्रेंट लिया मैंने और यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे पॉसिबल टेंजेंट्स जो हैं वो मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। ओके, तो ऐसे मैंने कुछ टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जो ग्राफ में कहीं ना कहीं बनते रहते हैं, राइट, जो पॉसिबल टेंजेंट्स है। तो अभी ये जो एंगल है थीटा, इसको मैंने थीटा वन बोला, फिर इसके बाद वाला ये जो है ये क्या है थीटा टू, फिर इसके बाद वाला थीटा थ्री, राइट। जब टैन 180 होता है तो टैन 180 कितना होता है, वो होता है जीरो। देखो टैन 180 कितना होता है, जीरो इन पाई। और टैन 90 इस केस में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इस केस में टैन 90 होगा माइनस इनफिनिटी, कितना होगा माइनस। यहां पे था प्लस इनफिनिटी, वहां कितना है माइनस इनफिनिटी। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, tan 90 जो है दैट इज माइनस इनफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे इट्स 90 प्लस 90 प्लस, 90 से थोड़ा आगे, यहाँ पे इट इज 90 माइनस 90 से थोड़ा पहले, 90 से थोड़ा पहले ग्राफ जा रहा है प्लस इनफिनिटी को और 90 के थोड़ा बाद ग्राफ जा रहा है माइनस, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ 90 प्लस और 90 माइनस, ठीक है, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट एग्जैक्ट 90। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ यहाँ पे है माइनस इनफिनिटी, इसका वैल्यू टैन का वैल्यू यहाँ पे जीरो, तो ये घट रहा है वैल्यू, यानी माइनस इनफिनिटी है तो यहाँ पे माइनस 500 माइनस 325 माइनस 215 ऐसा कुछ हो रहा होगा, या माइनस 100 माइनस 50 कुछ मैं लिख रहा हूँ, जस्ट राइटिंग है कुछ और होगा था बट ठीक है, जस्ट क्या पुटिंग क्यों डिक्रीज हो रहा है, इसका मॉड क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो अभी मैंने इधर से जो एंगल लिए सब थीटा लिया मैंने, सब थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर, और मैंने थीटा किसके रिस्पेक्ट में लिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हमेशा मैं थीटा किसके रिस्पेक्ट लेता हूँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि एज थीटा इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे tan थीटा जो नेगेटिव है उसका मॉड क्या हो रहा है, तो सवाल ये है कि सर तो माइनस का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि फिजिक्स में जो माइनस है उसका मतलब क्या है, इट गिव्स ओनली नेगेटिव साइन जो है इसका इंपॉर्टेंस एक ही है, नेगेटिव साइन गिव्स ओनली या रिप्रेजेंट्स ओनली नेगेटिव डायरेक्शन, gives only or represents only negative direction, you understand, और कोई importance नहीं है minus का, मतलब velocity positive और velocity negative, तो slope positive आया x graph का तो velocity positive, slope negative आया x graph का तो velocity negative, minus जो आता है tan के आगे minus minus 3 आ गया, तो minus का मतलब सिर्फ direction होता है, सिर्फ क्या होता है direction होता है। तो as theta is increasing what tan theta is decreasing, yes or no? But अभी मैंने अगर नया वेरिएबल ले लिया, मानो मैंने ले लिया phi, क्या ले लिया phi, कहाँ से लिया यहाँ से शुरू किया मैंने, इसको लिया phi one, इसको लिया मैंने phi two, इसको लिया मैंने phi three, अगर मैंने phi ले लिया theta ले लिया तो जैसा यहाँ हो रहा वैसा होगा, यहाँ से मैंने theta ऐसा लिया और वहां से मैंने phi ऐसा, केवल पैर आपको तो आप मैं क्या बोल सकता हूँ कि as phi is increasing, जैसे जैसे ये टैंजेंट स्टीप हो रहा है, जैसे टैंजेंट क्या हो रहा है यहाँ पे इस साइड से हुआ था कि टैंजेंट स्टीपर 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 हुआ था, वैसे इस साइड से जैसे ये टैंजेंट क्या हो रहा है स्टीप हो रहा है, स्टीप होते जा रहा है, उसका मॉड बढ़ते जा रहा है, इसका मॉड क्या होता जा रहा है। यहाँ भी देखो जैसे ये और स्टीपर होते गए, राइट, उठता गया स्टीपर हुआ इन मोर स्लैंटेड, तो वैसे वैसे मॉड टैन थीटा क्या हो इंक्रीज, और ये भी जैसे जैसे ये ज्यादा ज्यादा स्टीपर हो रहा है, राइट, फाइव बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे
मोड़ के वाला ट्रेंड चल रहा है, बढ़ रहा है, यानी दोनों क्वाड्रेंट में एक ही चीज हो रहा है बेसिकली, दोनों क्वाड्रेंट में हो तो एक ही रहा है। अगर कंफ्यूजन देखा जाए तो यही कंफ्यूजन है कि द स्लैंट ऑफ द टेंजेंट इज मोर एंड स्लोप इज मोर, स्लोप मतलब मोड ऑफ टेन थीटा, क्योंकि माइनस गिव्स ओनली डायरेक्शन, दैट पॉइंट हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड इन फिजिक्स। अब इस मैथ्स को यू यूजिंग दिस स्लोप कांसेप्ट इन फिजिक्स, इन फिजिक्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस। अब आप जब मैं बोल रहा हूं राइट कि इधर से इधर इसका मॉड बढ़ रहा है, तो आप में से कोई बोलेगा नहीं सर लेकिन ये देखो ना सर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, ये तो घट रहा है, स्लोप घट रहा है, तो मैथ्स के हिसाब से वैसे बोलेंगे आप, लेकिन फिजिक्स में वो हमें सिर्फ मॉड चाहिए, क्या चाहिए मॉड, और माइनस का मतलब सिर्फ क्या है डायरेक्शन, इसलिए मैंने मॉड डाल रखा है, समझ में आपको, ठीक है। तो यहाँ भी कंक्लूजन यही है कि इफ द स्लैंट ऑफ द टेंजेंट इज मोर या इफ द इट इज मोर स्लैंटेड, मोर 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 स्लैंटेड देन इट्स स्लोप इज मोर, तो इफ द स्लैंट ऑफ द टेंजेंट इज मोर then what, then its slope is more, oh इसका मतलब इन दोनों को अगर मिलाएंगे लोग कंक्लूजन ये आएगा कि चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में, बस अगर स्टीपर है तो उसका स्लोप ज्यादा होगा, है ना, दिस इज द कंक्लूजन, देखो तो इस कंक्लूजन को हमको क्या लेते हैं राइट कि फाइनली इतना सब पढ़ने के बाद हमें जानना क्या है फिजिक्स में, व्हाट इज दैट वी हैव टू नो, हमें बस इतना जानना है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है, जितना ये स्टीपर है ये मोर स्टीप है कि नहीं है, मोर स्लैंटेड या मोर स्टीपर स्लैंटेड, ये सुनो चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो या सेकंड क्वाड्रेंट में, मोर स्टीपर है मोर स्लैंटेड है मतलब इसका स्लोप ज्यादा है, इसका मॉड ऑफ टैन थीटा ज्यादा है, तो मोर स्लैंटेड का मतलब क्या होगा कि मॉड ऑफ टैन थीटा इज मोर, ये पॉइंट बताइए आपको, इससे ज्यादा स्टीपर पर ये हो गया तो और ज्यादा हो गया, ये मोर स्टीपर तो इसका मॉड टेन थीटा और बढ़ेगा, इसका मॉड टेन थीटा और इंक्रीज होगा, डबल इंक्रीज, पॉइंट जितना ज्यादा स्टीप होते जाएगा वो उतना उसका मॉड बढ़ेगा, बढ़ना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे आता है इंफिनिटी, यहाँ जो मॉड है टेन थीटा वो क्या है इंफिनिटी है, इसका तो बढ़ेगा ही ना, और यहाँ भी जीरो वहां भी जीरो, तो जैसे जैसे वो उसका स्लैंट कम होगा वैसे वैसे मॉड टेन थीटा क्या होगा कम होते जाएगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ तो दूसरा बस यही कंक्लूजन है। तो अभी यहाँ आ गया ये देख रहे हैं, तो अब इसमें यहाँ देखो ये थीटा लिया था हमने, ये फाई लिया था है कि नहीं, थीटा और फाई, तो यहाँ पे इट्स लेस स्लैंटेड या लेस स्टीपर, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं मॉड ऑफ टेन थीटा इज लेस, सही में, और जैसे जैसे वो घटता जाएगा वैसे वैसे मॉड टेन थीटा भी क्या हो जाएगा घटता जाएगा, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस तरह इस डिरेक्शन में मॉड टैन थीटा डिक्रीज होता है और इधर से इधर आते वक्त भी मॉड टैन थीटा डिक्रीज होता है, और इधर बोल सकते हैं कि इधर से इधर जाते वक्त मॉड टैन थीटा डिक्रीज होता है, तो वही कह रहे आपको राइट, तो जितना ज्यादा वो दूर जाता है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ तो मॉड ऑफ टैन थीटा क्या होता है इंक्रीज, और इधर आता है तो डिक्रीज, ये कंक्लूजन है, समझ रहे आप, अभी आपको ये जो चीज है इतना ये ध्यान में नहीं रहेगा लेकिन ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये पॉइंट समझ में है, अब हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या है, ओके ओके। सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है उसका हम लोग एक्सी ग्राफ डिस्कस करेंगे राइट, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है बच्चों, अभी जो अपने पास इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, क्या है इक्वेशन यूपी हाफ मीटर स्क्वायर, मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो मान लो कि एक्स फाइनल इज एक्स एंड एक्स इनिशियल इज एक्स नॉट, ठीक है x initial is x naught, x minus x naught, तो this is equal to ut plus half at square, यहाँ से x कितना आएगा x naught plus ut plus half at square, सही है,
तो इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन हम देख रहे हैं यहां पे, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट इज क्वाड्रेटिक इन टाइम. दिस क्वाड्रेटिक इन टाइम. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, क्योंकि वहां x स्क्वायर है, x वेरिएबल है, यहां पे t वेरिएबल है और t स्क्वायर है और t रेज़ टू 1 है, तो ये दिस इज क्वाड्रेटिक इन टाइम और ये क्या है, कांस्टेंट. सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू y. It's a quadratic equation, या quadratic expression in time. Clear है? अभी जो quadratic equations होते हैं, तो उसकी जो graph बनते हैं, quadratic equation का जो graph बनता है, वो बनता है parabolic. कैसा बनता है? Parabolic बनता है, वो एक curve बनता है. ये point समझ में आ रहा आपको? It is not a straight line. It is not a straight line. ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन बनता है, वो हमने पहले डिस्कस किया है, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आ रहा है हम लोगों को कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कर्व बनना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि एक्स की ग्राफ जो बन सकता है, तो पैराबोलिक मतलब ऐसा होता है, पैराबोलिक ये पैराबोला स्माइली जानते हैं, स्माइली ऐसा भी हो सकता है. अगर हमारे जो ग्राफ बनेंगे वो ज्यादातर आधे ही बनेंगे, क्यों? क्योंकि टी हम लोग टी कहां से स्टार्ट करेंगे, जीरो पॉजिटिव एक्सिस के लिए, इसलिए ये जो ग्राफ है ये तो हमारे कैसे आएंगे, सिर्फ आधे आधे आएंगे, ठीक है. पॉइंट समझ में आ रहा आपको? तो है वो पैराबोलिक कर्व, कैसे कर्व है, पैराबोलिक कर्व का पार्ट होगा, क्लियर है. तो पैराबोलिक कर्व मतलब ऐसा ऐसा, ये क्या वो स्माइली, ये स्माइली और ये और ये इधर कोई तो ली है, ठीक है, स्माइली स्माइली ग्लैडली पता नहीं क्या, ओके. तो इसका आधा आधा आएगा, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है. अभी इसका मतलब ये है कि एक्सी ग्राफ कुछ कैसा बनेगा, यानी इसका आधा ऐसा, तो देखते हैं यानी अपने पास क्या ऑप्शंस है एक्सी ग्राफ के. तो एक्सट्री ग्राफ के लिए अपने पास जो ऑप्शंस है वो ऐसे ऑप्शन है, ये बन सकता है कर्व, ओ ये बन सकता है, लेट अस पुट द नंबर्स, ये नंबर 1 नंबर 2, ऐसा भी बन सकता है क्योंकि ये स्माइली स्माइली स्माइली, समझ में आ रहा है, राइट. तो ऐसा बन सकता है, ऐसा ही बन सकता है, देखो इधर है इसका आधा, समझ में आपको. तो ये चार ऑप्शन हो गए, तो एक दो, इसको नंबर दिया मैंने 3, इसको नंबर दिया मैंने 4. ये क्या सिर्फ एक्स टी टाइम एक्सिस के ऊपर बन सकता है, नीचे बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि नीचे वाला भी एक्स है कि नहीं, वो एक्स पूरा एक्स एक्सिस है, यानी ये सब ग्राफ ये नीचे ही बन सकता है. तो क्या पॉसिबल है एक्चुअली ग्राफ में, बस यही पॉसिबल है या इसके कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. इसके कॉम्बिनेशंस मतलब जैसे इसको इसको और इसको कंबाइन कर देते हैं, इसको और इसको, तो ये ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा, यानी ये कंबाइन हो गया, ये भी एक्चुअली ग्राफ पॉसिबल है. या फिर इसको और इसको कंबाइन कर दो, यानी इसको और इसको, तो कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल हम पहले इसी को पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में इसको कंबाइन करेंगे, ये पॉइंट में आपको, ठीक है, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे यार, सबसे पहले मैं आपको इसमें जिसको मैंने नंबर 1 लिखा है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा. पहले आपको समझ में आया कि क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 3 4 ऊपर नीचे एक्सी ग्राफ के ऊपर नीचे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दी पॉसिबिलिटीज. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वन ग्राफ. So I will discuss this number 1. उसके बाद 2, 3, 4 you will have to discuss here. Okay? Alright. So let us start. तो पहले I will take this number 1. So ऐसा ग्राफ है कुछ. This is x and this is t. Okay.
तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर है? ये तुम सब समझ में आ रहा है, राइट? पार्टिकल इज नॉट मूविंग अलोंग दिस पाथ, दिस इज नॉट द पाथ ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर? अच्छा, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा? क्या होगा वेलोसिटी? उसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव, राइट? तो ये मैंने आपको पहले समझाया है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये दोनों जो है इनके डायरेक्शन समझते क्या होते हैं? सेम होता है, क्योंकि इफ आई एम डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस होना, राइट? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। इफ आई एम मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्सिस तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और वेलोसिटी पॉजिटिव। आप ये चीज समझो कि अगर मैं मानो माइनस 500 से मैं गया माइनस 300 पे, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? क्या किया आपने? फाइनल फाइनल इनिशियल किया कि नहीं किया? यानी माइनस 300, ये जो फाइनल है माइनस 300 माइनस ऑफ माइनस कितना आया? इसका मतलब समझो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि जो पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी ये ओरिजिन, ये क्या है? ये पॉजिटिव एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि पार्टिकल को पॉजिटिव एक्सिस पे होना ही जरूरी है, वो नेगेटिव एक्सिस पे भी हो सकता है, बस वो नेगेटिव एक्सिस पे है लेकिन बस वो जा किधर होना चाहिए? जाना चाहिए पॉजिटिव की तरफ, भले ही वो नेगेटिव में क्यों ना। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब ये है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तरफ जा रहा हो, बस चाहे कहीं भी हो, चाहे वो कहीं भी हो, बस वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी की तरफ क्या कर रहा हो? जा रहा हो। समझ में आया आपको? दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव। बस वो इधर से उधर जा रहा हो तो वी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये पहला कंक्लूजन। दूसरा मुझे ये बताओ कि स्लोप जो है इस एक्सटी ग्राफ का, स्लोप इस एक्सटी ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है? कैसे पता? आपने थीटा नहीं सोचा कुछ, आपको बस समझ में आ रहा है। सर देखो, अभी आपने बोला था कि जैसे जैसे टैंजेंट ज्यादा स्टीपर होगा, ज्यादा स्लैंट होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये रहा इनिशियल टाइम T1, ये नेक्स्ट टाइम T2, ये नेक्स्ट टाइम T3। जैसे जैसे सर टाइम बढ़ते जा रहा है वो जो टैंजेंट है वो टैंजेंट क्या होती जा रहा है? इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टीपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप इज इंक्रीजिंग बिकॉज स्लैंट इज इंक्रीजिंग, द स्लैंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। समझ में आ रहा है? एज द टाइम इज इंक्रीजिंग द स्लैंट इज इंक्रीजिंग, क्लियर है? तो अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है सर, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 हमने सब कट शॉर्ट मार दिया, वो कंसेप्ट हमको समझ में आ गया। हमको क्या समझ में आ गया? हमको समझ में आ गया कि जैसे जैसे ये स्लैंट बढ़ता जाएगा, स्लैंट बढ़ता जाएगा, थीटा बढ़ता जाएगा, तो थीटा तो गलत नहीं है, सीधा क्या बोलेंगे हम लोग? स्लैंट बढ़ता जाएगा तो स्लोप, और स्लोप मतलब मॉड बढ़ता जाएगा, ये हमने सीखा है। तो हमने डायरेक्ट लगा दिया स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो एक्सी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी देता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है, हाँ, एक तो ये है कि ये स्लोप पॉजिटिव आएगा, स्लोप क्या आएगा? तो ये स्लोप भी बता रहा है कि वी पॉजिटिव है, और इससे मालूम पड़ रहा है कि क्या है? पॉजिटिव है, और स्लोप बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो मॉड वी है वो बढ़ रहा है। स्लोप को हमने किससे कंपेयर किया है? मॉड ऑफ टैन थीटा, और इसका जो मॉड है टैन थीटा का वो हमको वी देगा, वी का मॉड। तो ये बढ़ रहा है मतलब वी का मॉड बढ़ रहा है। अच्छा, तो वी का मॉड बढ़ रहा है और वी पॉजिटिव है, तो वीटी का ग्राफ कैसा होगा ये हम लोग देख रहे हैं।
ठीक है. सो लेट अस प्लॉट बी टी ग्राफ फॉर दिस एक्स टी ग्राफ. ओके ओके. तो अभी यहाँ पे जो एक्स टी ग्राफ है, उस एक्स टी ग्राफ से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला है? ये निकाला है कि V जो है वो पॉजिटिव है, राइट? V क्या है? पॉजिटिव है और V इंक्रीज हो रहा है, ये हम निकाल रहे हैं. तो इसको प्लॉट करना है हमें, V T ग्राफ, ठीक है? तो लेट अस प्लॉट. अभी सबसे पहली बात तो ये है कि जो V का इक्वेशन है U प्लस AT, आई विल राइट इट एज AT प्लस U, ठीक है, चलेगा? अब आई कंपेयर दिस विद Y इक्वल टू MX प्लस C. तो ये v y एक्सिस पे लिया मैंने, टाइम को x एक्सिस पे, ये एक्सेलरेशन हो गया इसका स्लो, और ये u क्या हो गया? कांस्टेंट. ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी v इक्वल टू u प्लस ad, क्योंकि y इक्वल टू mx प्लस c, इसका इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन. तो ये v इक्वल टू u प्लस ad, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा. मतलब क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन. किसके लिए? ये ध्यान रखना, यूनिफॉर्मली मोशन के लिए. हमेशा मतलब हमेशा नहीं, वो हमेशा किसके लिए? अगर एक कांस्टेंट है तो v वर्सेस t, v वर्सेस t, मैंने v को y लिया, t को x, ये v वर्सेस t का जो ग्राफ है ये हमेशा कैसा बनेगा? बोलो, स्ट्रेट लाइन बनेगा. समझ में आया? हाँ. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे इस xt ग्राफ के लिए VT ग्राफ प्लॉट करना है तो ये श्योर है कि ये VT ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन. ये अंडरस्टूड है? बस ये देखना है कि किधर बनेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऐसा हो सकता है. हो सकता है? पॉसिबल है? ये जो VT ग्राफ है क्या ये पॉसिबल है पैदा होगा? राइट, बोलो. हाँ. ये पॉसिबल है? क्यों नहीं पॉसिबल है? वी का वैल्यू कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और वी का वैल्यू क्या हो रहा है? कम. दैट्स ऑल. क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है. वी नेगेटिव है और जैसे टाइम बढ़ रहा है वी का वैल्यू बढ़ रहा है, वो भी डिस्कस. ये पॉसिबल है? हाँ. और ये पॉसिबल है? नहीं. ये पॉसिबल है क्या? नहीं. क्यों नहीं है? तुम बोलो. और यहाँ पे टाइम बढ़ नहीं रहा है, टाइम नहीं बढ़ रहा लेकिन वी बढ़ रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है. अच्छा, ये पॉसिबल है? हाँ. ये क्यों पॉसिबल है? कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन इज जीरो. समझ में आपको? तो इसको नंबर वन देते हैं, इसको नंबर टू, इसको थ्री, इसको फोर. अब सवाल ये है कि चारों में से, क्योंकि यही पॉसिबल है, दूसरा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? ये चार, हाँ, ये तो तब ना जब ए जीरो है, ठीक है? तो ये जो चार है तो इसमें से, ये चारों में से इसके लिए कौन सा होगा? वन टू थ्री या फोर? फर्स्ट वाला. क्यों? एक तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब अबव प्राइम एक्सिस, अटा. ये दोनों क्या है? अटा. ये दोनों अटा, बिलो प्राइम एक्सिस. पहली बात तो ये है कि अगर बी पॉजिटिव है तो उसका मतलब वो v का ग्राफ बनेगा अटा अबव टाइम एक्सिस. समझ में आया? अटा अबव टाइम एक्सिस बनेगा ही बनेगा अगर v क्या है? पॉजिटिव. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब पहला या दूसरा दो में से बनेगा, लेकिन v इंक्रीज भी हो रहा है. v क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ओ, v इंक्रीज तो सिर्फ वन में हो रहा है, टू में तो डिक्रीज हो रहा है. इसका मतलब बी डी का जो ग्राफ है वो बनेगा बी वर्सेस डी. देखो एक्स से आपने क्या प्लॉट किया? बी टी. ऐसे आपको मालूम पड़ गया कि ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ तो बनेगा. आप एग्जैक्ट वैल्यूज हम आप देख सकते हैं कि कल इसका ये वैल्यू क्या होगा, वो क्या होगा, वो बाद में समझ सकते हैं, राइट? लेकिन ऐसा ग्राफ बनेगा. ये पॉइंट समझ में आपको क्लियर है? यानी इसका जो ये नंबर वन है, इस नंबर वन के लिए ये नंबर वन बनेगा. वो समझ में आया? ये एक्स ग्राफ और इसका ये ग्राफ. एक बार फिर से सुनो, मैंने कैसे किया. सबसे पहले मैंने ये ग्राफ ले लिया, एक्सी ग्राफ. इस एक्सी ग्राफ को मैंने स्टडी किया. इस एक्सी ग्राफ में दो चीज स्टडी किया, एक तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है और एक स्लोप क्या हो रहा है, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट मुझे दिख रहा है वो किधर जा रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है, ज्यादा ऊपर
उसका डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स बढ़ रहा है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट किधर है उसका, ऊपर है, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो पहला कंक्लूजन आ गया, वही क्या है पॉजिटिव, मतलब अबव टाइम का ग्राफ बनेगा अबव टाइम एक्सिस, ये समझ में आया, आया? हाँ। दूसरा स्लोप देखना है, एक डिस्प्लेसमेंट देखना है और एक स्लोप, बस इतना ही देखना है, डिस्प्लेसमेंट और स्लोप, समझ में आ रहा है। तो स्लोप क्या हो रहा है उसका, स्लैम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, स्लैम बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और टेन थीटा बढ़ रहा है, मतलब वी का मॉड बढ़ रहा है, समझ में आया। अब ये दो चीजों को मिला के आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव और बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव है यानी हटा है और बढ़ रहा है, समझ में आया, क्लियर है। तो अभी आप लोग क्या करना है, यही काम आपको सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए और फोर्थ के लिए करना है, ठीक है, करेंगे आप लोग, ठीक है, तो करिए पहले इसको, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड ग्राफ, ओके। तो अभी एक्स टी ग्राफ लिया हमने, इस तरह से कुछ है, ये एक्स टी ग्राफ, ओके, ठीक है, ऑलराइट। तो हमें दो चीज देखना है हमेशा, एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरा स्लोप, बस यही देखना है, इससे सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कहाँ जा रहा है, ओ इसका इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो भी क्या होगा, मतलब ग्राफ का बनेगा अबव टाइम, मिल गया पहला कंक्लूजन। दूसरा इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप ऐसा टैंजेंट पहले, फिर टैंजेंट क्या हो रहा है, पहले ज्यादा स्टीप है और धीरे धीरे स्टीप क्या हो रहा है, कम, तो यानी स्लैंट कम हो रहा है, तो स्लोप कम हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या सबको, आ रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो वी क्या होगा, मॉड ऑफ वी, समझ में आपको, सिंपल है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, डायरेक्टली वो मॉड देता है वेलोसिटी का, उसका जो मॉड है, स्लोप का जो मॉड है, स्लोप का जो मॉड है वो आपको डायरेक्टली वेलोसिटी का मॉड देता है, और टैन टैन थीटा का जो साइन है वो डायरेक्टली आपको वेलोसिटी का साइन देता है, एक्स टी ग्राफ में वन डायमेंशनल मोशन में, इसमें 1D मोशन में जो tan थीटा का मॉड है वो आपको डायरेक्टली v का मॉड देता है, और tan थीटा का जो साइन है वो डायरेक्टली आपको वेलोसिटी का साइन देता है, समझ में आए। तो फिलहाल तो बात हो रही है मॉड, मॉड tan थीटा यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है, मॉड ऑफ tan थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो v क्या होगा, डिक्रीज। तो अब हम बता रहे हैं vt का, तो अभी देखो आप, एक तो v पॉजिटिव चाहिए और डिक्रीजिंग चाहिए, तो अपने पास बी के क्या ऑप्शंस थे, अपने पास बी के चार ऑप्शंस थे, एक ये, एक दो, एक तीन और एक चार, तो कौन सा बनेगा इसमें से, यही दो में से बन सकता है, क्योंकि अबव टाइम एक्सिस और डिक्रीजिंग, यानी टाइम के साथ ये डिक्रीज होना चाहिए, टाइम बढ़े और बी डिक्रीज हो, टाइम बढ़े और बी डिक्रीज हो, समझ में आ रहा है। तो कौन सा ग्राफ बनेगा, सेकंड वाला बनेगा, तो ये जो है इसका वी टी ग्राफ, अबव टाइम एक्सिस डिक्रीजिंग बनाया वी टी ग्राफ, समझ में आपको, इट्स सो सिंपल, ठीक है, या इजी है कि नहीं है, सिर्फ आपको बस ये देखना है, ऐसा है या ऐसा है, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है, ओके। तो अभी थर्ड जो ग्राफ है उसको देखते हैं हम लोग, चलो तो अभी देखो थर्ड ग्राफ, लेट अस नॉट डिस्कस दिस थर्ड ग्राफ, ओके। तो ये जो ग्राफ है आपका, अभी ये ऐसा ही ग्राफ है, x वर्सेस t, ठीक है, तो दिस इज द थर्ड वन, तो दो ही चीजें देख सकते हो, क्या देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है देखते हैं, तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ, ये पार्टिकल पहले यहां पे था, फिर पार्टिकल और नीचे आ रहा है, नीचे 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 नीचे, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस,
डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स नेगेटिव उतना ही चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या है तो बी क्या होगा इसका नेगेटिव बी नेगेटिव होगा तो बेटा बेटा यानी बी टी ग्राफ बनेगा विदाउट आई एक्सिस बी टी ग्राफ क्या बनेगा बच्चों वेरी गुड विदाउट आई एक्सिस अब बात करते हैं स्लो ठीक है पहले टैंजेंट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा और फिर ये जो टैंजेंट है ऐसा ऐसा होता जाएगा फिर ऐसा होता जाएगा ये स्टीप हो गए पहले स्टीप है क्या पहले नल स्लैंट है नहीं है फिर जैसे जब आगे बढ़ रहे हैं ये स्लैंट बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है ये स्लैंट ये ऐसे भी बढ़ता है ऐसे भी बढ़ता है लास्ट टाइम देखा आपने सर ये स्लैंट तो ऐसे बढ़ता है पर स्लैंट ऐसे भी तो बढ़ता है ये भी तो बढ़ गया स्लैंट बड़ा नहीं बड़ा बोलो सही में आ रहा है ये है लेस स्लैंटेड ये है मोर स्लैंटेड ये भी है मोर स्लैंटेड समझ में आपको तो जैसे जैसे आप आगे आ रहे हैं ये जो टैंजेंट है ये टैंजेंट और स्टीप हो रहा है देखो हो रहा क्या हो रहा है इसका मतलब बच्चों स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज तो मोड भी इंक्रीज समझ में ओ तब हमें बनाना है वीटी ग्राफ तो ये कंक्लूजन है ना हमारे पास देखो एक तो वी है बेटा बिलो टाइम एक्सिस दूसरा मोड भी इंक्रीज हो रहा है तो पहले तुम बना दो बिलो टाइम एक्सिस के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस यानी ये आपका जो वीटी ग्राफ है अच्छा तो नेगेटिव हो गया पहले कंक्लूजन काम खत्म बोलो बोलो ना डाइटिंग कर रहे सब मॉड भी इंक्रीज तो कैसे बनाओ अभी दो ही ऑप्शन है ऐसा बनाओ या ऐसा कौन सा बनाओ फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट ही बनाना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि इस टाइम पे है ये माइनस वन तो इस टाइम पे है ये माइनस वन तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये मॉड बढ़ रहा है ये माइनस का मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है क्या होता है डायरेक्शन मॉड देखो इसका मॉड कितना है एक इसका मॉड तो मॉड ऐसे बढ़ रहा है समझ में आ रहा है कि आ रहा है और नंबर लाइन के हिसाब से मत सोचना तब तो फिर ये ग्राफ बनेगा सर माइनस टू से माइनस वन बड़ा है सर माइनस वन से जीरो बड़ा है ये फिजिक्स में कोई इसका यूज जीरो सबसे छोटा है और वन उतना ही जीरो से बड़ा है जितना माइनस वन बड़ा है समझ में आ रहा है माइनस वन जीरो से बड़ा है और वन भी जीरो से बड़ा है क्योंकि माइनस मतलब सिर्फ डायरेक्शन है ना भाई फिजिक्स में समझ में आया तो इसलिए ये ग्राफ हो जाएगा तो आपको जो मॉड देखना है माइनस वन माइनस टू ये माइनस टू तो मॉड बढ़ना चाहिए मतलब ये ग्राफ टाइम बढ़ेगा मॉड बढ़ेगा समझ में आया ओके तो ये बन गया इसका ग्राफ समझ में आपको तो एक चीज आप ध्यान रखो कि ये जो पहला ग्राफ है फर्स्ट ये बीटी ग्राफ जो है इसमें मॉड बढ़ रहा है इसमें मॉड और ये जो ग्राफ है इसमें भी मॉड बढ़ रहा है इसमें भी मॉड क्या हो रहा है यानी टाइम एक्सिस के दूर जाओगे ऊपर ये टाइम एक्सिस से दूर जाओगे नीचे मॉड बढ़ेगा बढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये वन है और ये माइनस वन है ये टू है माइनस टू है मुझे आ रहा है इसका भी मॉड वन टू थ्री ये भी वन टू थ्री मॉड चाहिए क्या चाहिए मॉड चाहिए समझ में आया नहीं है हाँ तो ये बढ़ेगा दोनों में मॉड बढ़ रहा है हाँ ऐसा नहीं सर ये और ये सर साकत साकत दिखते हैं सर ये और ये एक जैसा दिखता है ना तो सर इसका मॉड बढ़ना चाहिए ना सर ये क्या आप पढ़ा रहे है कि नहीं ऐसा दिख रहा है सर ये देखो जैसा ये है वैसा ये हाँ सर इसका मॉड क्या हो रहा है बढ़ इसका मॉड बढ़ना चाहिए सर हाँ तो ऐसा लॉजिक मत लगाइए ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो मॉड है वो ऐसे बढ़ रहा है और यहाँ पे जो मॉड है कम ऐसे बढ़ रहा है इसलिए ये दोनों में मॉड बढ़ रहा है और ये दोनों में मॉड घट रहा है क्या आपका तो आवाज भी घट रहा है थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है चलो ये हो गया थर्ड अभी फोर्थ ग्राफ यानी वो वाला
वो आप करेंगे, हो गया क्या सबका? हाँ हो गया। तो नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ ग्राफ, दिस वन, ऑलराइट? ठीक है, ये तो फोर्थ ग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये भी थर्ड के जैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये ग्राफ कैसा है? इस तरह से, ठीक है? तो एक्स टी ग्राफ। तो आप मुझे बताओ क्या क्या देख रहे हैं सबसे पहले? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का पता चलेगा। और क्या देखने आते हैं? स्लोप देखने का। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है इसके, इसमें क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये पार्टिकल किधर जा रहा है? नेगेटिव एक्सिस करेगी, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? बी क्या होगा? मतलब ये समझ में आया आपको? क्लियर है? हाँ। अच्छा, और स्मोक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, नहीं नहीं डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं ऐसे करूं टैंजेंट है, वो ऐसा है स्टीपर है कि नहीं? एकदम स्टीप है ना। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसका स्लैंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ऐसा था ऐसा होती है, यानी टैन जीरो की तरफ जा रहा है, टैन जीरो की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब स्लोप घट रहा है, पहले स्लोप ज्यादा है फिर कम हो रहा है और कम हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो ये और घट गया है, फिर ये और घट गया, समझ में आ रहा है? तो जब वो टैन जीरो की तरफ जाए इधर से इधर, तो भी स्लोप क्या हो रहा है? कम। या ऊपर से नीचे टैन जीरो की तरफ जाए तो स्लोप कम हो रहा है, टैन जीरो से दूर जाए तो स्लोप बढ़ रहा है। आपको टैन जीरो की तरफ जाए तो स्लोप क्या हो रहा है? हाँ बोलो बोलो, स्लोप कम हो रहा है, टैन जीरो दूर बढ़ रहा है। वेरी गुड, स्लोप है, स्लोप क्या हो रहा है यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। मॉड बी क्या होगा? ग्राफ कैसा बनेगा? बीटी का ग्राफ ऊपर वाला बनेगा क्या? नहीं। वो क्या है? घटा, घटा सावन की घटा, वो घटा है। और नीचे वाला क्या है? तो ये जो BT ग्राफ बनेगा इसका, वो बनेगा ऐसा B और ये B, आप वेरीफाई कर लो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसका मॉड घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। नहीं तो कोऑर्डिनेट लो, कोऑर्डिनेट्स ऐसा डॉटेड लाइन लो, ये देखो ये T1 है, ये V1 है, ठीक है? ये V1 का मॉड ज्यादा है कम है? ज्यादा है, ये नंबर लाइन नहीं है, इसका वी कुछ तो होगा -100, लेकिन मॉड क्या है? 100। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब फिर टाइम बढ़ा, बढ़ा टाइम बढ़ा और वी का मॉड कम हुआ, कम हुआ, समझ में आ गया? हाँ। वेरी गुड। इसलिए मैंने बोला कि अब क्या याद रखो, अब ये याद रखो कि यहाँ पे मॉड वी बढ़ रहा है, यहाँ भी मॉड वी बढ़ रहा है, टाइम एक्सिस से दूर जाएंगे तो मॉड वी बढ़ेगा, टाइम ऊपर या नीचे, टाइम एक्सिस के तरफ आएंगे तो मॉड भी क्या होगा? घटेगा। समझ में आ गया? हां। अब जो याद कर लो तो सारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। समझ में आपको? तो हम जो बड़े चारों एक्सिस ग्राफ के बीटी ग्राफ,